हेलो, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सफ़ेद कूंचे जो मैंने लगाई थी और उसकी मैंने हार्वेस्टिंग ले ली है। ये अभी नवंबर का समय चल रहा है, मैंने इसको जून में लगाया था, 15 जून के समथिंग, और नवंबर में इस तरीके से ये निकल चुकी है। अभी भी जो हरी वाली है वो पेड़ पे ही, और जो सूख चुकी है उसको मैंने निकाल ली है। तो ये इस तरीके से इसकी फलियाँ निकलती है, जिसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है। उसके अंदर जो बीज रहता है वो इस तरीके से सफ़ेद निकलता है। ये सफ़ेद कोंच है, इसमें जो है बाल, जिससे जो काली कोंच आती है उसके बाल चुभते हैं और वो खुजली करते हैं, पर ये वाले जो कोंच है वो बिल्कुल भी खुजली नहीं करती है। तो इसके हार्वेस्टिंग के लिए, जैसे मेरे को सीड बाहर निकालना हार्वेस्टिंग करके, तो मैंने धूप में डाल दी है। धूप में डालने के बाद अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो ये इस तरीके से गुच्छों में लगती है, 10-15 फलियों के साथ में। मैंने इसको बिना पानी के और बिना कुछ डाले इस तरीके से इसका प्रोडक्शन आया है। अगर आप इसको सही से पानी देते तो ये थोड़ा और लंबे समय तक जाती है, दिसंबर जनवरी तक निकलती है। अभी ये नवंबर का टाइम है तो ये थोड़ा इस तरीके से निकली है, तो भी इसका अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। तो इसको अगर आप लगाते हैं तो ये अच्छा मोटा बीज बैठता है उसके अंदर। तो जैसे ये अभी निकल चुकी है, तो ये फलियों में से किस तरीके से निकाली जाती है, एक तो थ्रेशिंग के थ्रू निकाली जाती है थ्रेशर से। अगर उससे भी आपको सिंपल मेथड में करना है, वो कुछ भी नहीं करना, तो आप इसे बस धूप में ला के डाल दीजिए। धूप में डालने के बाद इसको इस तरीके से, या फिर जो आपका पंप सेट आता है उससे ऐसे पानी लगा दीजिए हल्का हल्का, जब आपकी जैसे 12-1 बजे तक धूप अच्छी रहती है उस टाइम, इस तरीके से ये हल्का हल्का बिल्कुल पानी लगा देना है। जब आप इसमें पानी लगा देंगे तो इस तरीके से ये इसका छिलका फट जाता है और ये बीज बाहर हो जाते हैं, जैसा आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये होने लग जाती। तो इस तरीके से हमें दाने को इसकी फलियों से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।